तो अभी हम चाय बनाने की कोशिश करेंगे। बस काफी है, बाकी पानी बचाते हैं। अब इस बुखारी को बंद करेंगे ताकि घर भी खराब ना होना स्मोक की वजह से। ये रहा दोस्तों हमारा मशरूम और ये रहा दोस्तों हमारा फुल क्रीम मिल्क पेक। जी हाँ दोस्तों, ये था माचिस, अब ये खत्म है। और एक बच चुका है दोस्तों, ये भी काम आ सकता है। चाय ढूंढना होगा दोस्तों, मिल गया तहसीलदार तपाल चाय। अभी तहसीलदार चाय जो है या तो इसमें डाल सकते हैं या तो इसमें डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है दोस्तों। ये लाया, अभी हम सख्त वाला चाय बनाएंगे दोस्तों। ये देखिए इतना, और ये इसके अंदर, हाँ बंद। ये लाया और चाय पे यू ऊपर से डालना है। ये रहा चाय बंद हो गया दोस्तों, चाय बंद हो गया है, क्लोज्ड। क्वेश्चन को इधर रख, मिल्क पैक को बैक टू प्लेस। और इसे बोलते हैं दोस्तों पकड़, पकड़ने के लिए पकड़ काम आ सकता है दोस्तों। पकड़ पकड़ के पकड़ना है, अगर आपका जल रहा है यहाँ पे तो आपने इस तरह उठाना है दोस्तों। ये देखिए पकड़ के पकड़ा है हमने, और ये ऊपर और पकड़। अरे गिर रहा है, स्लिप हो गया भाई। ये रहा हमारा इश्न वाला गिलास, इश्न वाला गिलास, इसमें पानी भर के आप पी सकते हैं, भर भर के पी सकते हैं। चलिए खोल के देखते हैं। ये रहा गिलन का घसकिट, और ये रहा, और पानी 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 हो गया भाई। अब गिलन का घसकिट हो गया बंद, पानी भी भर दिया हमने, साफ सुथरा पानी, 10 साल से है इस गैलन में। जी दोस्तों पकड़ से इसको भी पकड़ सकते हैं, अगर पकड़ना चाहो देखे इस तरह पकड़ सकते हो। गर्म नहीं करना है, अगर गर्म पीना है तो इसको ऊपर गर्म करके पी सकते हो, ठंडा पीना है तो ठंडा करके पी सकते हो। पकड़ से इसको भी पकड़ सकते हैं, देखिए देखिए पकड़ने की कोशिश करते हैं। अरे आजा बेटा, ये देखिए पकड़ के हमने पकड़ा है इसको, ये फिर काम आ सकता है, ये उधर डालो। अब मिल्क पैक को खोलने का तरीका ये दोस्तों, इस पे सीजर का निशान बनाया है। पानी पियो पानी पियो, ऑल पर यहां से भी खोल सकते हैं और यहां से भी खोल सकते हैं, यहां से भी खोल सकते हैं और यहां से भी खोल सकते हैं। देखो इसका शेप हमने चेंज कर दिया दोस्तों, शेप चेंज चेंज हो गया भाई, खुल चुका है दोस्तों। देखिए अगर आपका दांत शार्प है केनाइन टीथ, तो इस तरह करके, अरे जबरदस्त चाय बन रहा है दोस्तों। अब यहाँ पे डालने का तरीका, ऊपर 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 चाय के साथ। अगर आप चाहें तो थोड़ा बचा भी सकते हैं शाम के लिए या रात के लिए, फिर चाय बना सकते हैं। चाय चाय चाय, हमेशा चाय बना सकते हैं इससे। हमारा रिवाज है चाय का, हम सुबह चाय पियेंगे, शाम को चाय पियेंगे, जागने से पहले भी, जागने के बाद भी, सोने से पहले भी, सोने के बाद भी, सिर्फ चाय पियेंगे और जान बनाएंगे। अरे ज्यादा तुर्क तो नहीं हो गया, थोड़ा और डालना होगा। देखिए इसमें थोड़ा सा भी आपने जाया नहीं करना है, पूरा जो है इस मिल्क पैक को साफ करना है। इसको लगाएंगे फिर चाय में, चाय इसके अंदर फिर बाहर, फिर चाय इसके अंदर फिर घुमाएंगे फिर बाहर। अगर आप चाहें तो इसको बुखारी के अंदर भी लगा सकते हैं एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। आ जा बेटा, आ जा बेटा,
बुखारी का मुंह खुल चुका है दोस्तों, अब ये जाएगा इसके अंदर। आपने हमेशा स्टाइल के साथ रहना है दोस्तों। रूम वाला तश्त इसे बोलते हैं दोस्तों। अब ये खमाशतून इसके अंदर, अब इसको खोलेंगे आराम से। देखिए सारा खमाशतून बाहर आ चुका है, प्लास्टिक ये फिलहाल नहीं जलाएंगे, ये काम आने वाला है दोस्तों बाद में। अगर मैं आ गया इधर तो इसी की हेल्प से जो है हम अगर गए ये छोड़ेंगे इधर। चाय तकरीबन तकरीबन हो रहा है, पानी पानी खत्म हो गया दोस्तों, ये बुखारी हो गया। ये आगे वाला है सुराख है, ये बड़ा वाला सुराख है, और ये हमारा जर्दी हो गया, और जर्दी को पकड़ से पकड़ के इसके अंदर आग, और ये आग के ऊपर होता है दोस्तों। तो ये सूरत हाल है, अभी चाय बन रहा है, चाय बनने के बाद फिर पियेंगे, जान बनाएंगे दोस्तों जान। मर्जा साहब जाओ, चम्मच लेके आओ, नमक लेके आओ, कप लेके आओ, जाओ। ठीक है लेके आते हैं, चम्मच कप और क्या था। तो फाइनली हमारा चाय तैयार हो चुका है दोस्तों, ये देखिए फ्रेश फ्रेश चाय, मजा आ गया। ये रहा दोस्तों टूंग प्रोख नमक, पत्थर वाला नमक है, कलर चेंज हो गया शायद इसके अंदर रखा है इसलिए ऐसा हो गया, सोना हो गया भाई सोना। ये देखिए फ्रेश खमाशतून, इसका भी इंजॉय करेंगे जी दोस्तों। चलो इस पर डुबोना है, इस तरह चाय में ऐसे डुबो डुबो के डुबो डुबो के फिर इंजॉय करना है, समझो। मजा आ गया।